शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तक आपने देखा त्रियंबक साईं से क्षमा मांगता है जब उसे पता चलता है कि साईं ने स्वयं भी नमक सेवन का त्याग किया हुआ है। इधर बायजा त्रियंबक में हुए परिवर्तन से खुश है, उधर अंतपंता त्रियंबक को तमाशा देखने का प्रस्ताव देते हैं, परंतु त्रियंबक इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। मैं नहीं आ पाऊंगा। यहाँ साईं बच्चों को होलिका दहन की कहानी सुनाते हैं। अब आगे इधर आओ, आराम से बैठो। हाँ ठीक है, भामा तुम भी मेरे साथ कुछ खा लो, मैं खिला दूँ तुम्हें। नहीं आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस खाने की इच्छा नहीं हो रही है। भामा तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कुछ भी इच्छा हो, मुझे जरूर बताना। माँ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, 9 महीने की तपस्या हो जैसे। मैं तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारी कठिनाइयों को बांट तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। पक्का? मैं जो कहूंगी वो आप करोगे? हाँ वादा करता हूं। बहुत दिनों से इच्छा थी कि पंढरपुर दर्शन के लिए जाऊं, विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन करूं। ऐसा लगता है जैसे पांडुरंग मुझे बुला रहा है, अपनी होने वाली संतान को उनका आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ। हाँ लेकिन भामा तुम इस अवस्था में यात्रा कैसे करोगी? ऐसे वादे का क्या मतलब जिसे पूरा ही ना करना हो? भामा से वादा कर बैठा हूं कि उसकी उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा, और अब उसने कहा है कि उसे पंढरपुर जाना है दर्शन करने के लिए। साईं आज सारा दिन निकल गया पालकी ढूंढने में, लेकिन एक भी पालकी नहीं मिल पाई। समझ नहीं आ रहा कि उसे उसे कैसे ले जाऊंगा, और दाई माँ का कहना है कि उसे उसे ऐसी हालत में पालकी मिले जाना भी ठीक नहीं रहेगा। आपकी उम्मीदों और आपके भरोसे को मैं कैसे तोड़ देता? वादा कर दिया है तो निभाना भी होगा, जैसे मैंने अपना वादा निभाया। साईं के कहने पर नमक या नमकीन नहीं खाया मैंने, है ना साईं? हाँ याद रखना, केवल कल का दिन बाकी है, कल फागुन पूर्णिमा है, तुम्हारे इलाज का अंतिम दिन, उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जब इतने दिन संकल्प रखा तो अंतिम दिन भी निकल जाएगा, इतना विश्वास है मुझे खुद पर। चलता हूं साईं। चलिए पंता जी, वो गया। नहीं नहीं अंता जी, हम उसके पीछे पीछे नहीं जाएंगे, कहीं उसे शक हो गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। वैसे कुछ समय की तो बात है, इसके बाद क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
वो खुश है तो थोड़ी देर खुश रहने दीजिए उसे। वैसे बकरी की अम्मा भी कब तक खैर मनाएगी? कल पूर्णिमा है, त्रंबक के इलाज का आखिरी दिन। उसके बाद मेरा भाई ये सब खा पाएगा। खाएगा तो तब ना, जब ये कुछ पचने देगी। देख कैसे नजरें जमाए बैठी है सब पूरन पोलियों पे। इलाज तो इसका करवाना चाहिए सबसे पहले। आई सुन लेगी तो बुरा मान जाएगी। लो कर लो बात, इतनी सारी पूरन पोड़ी। जब मीठाई खिलाना था तो और मिठाइयां बना लेते। आओ त्रंबक, देखो तुम्हारे लिए पूरन पोड़ियां बना रही हूं मैं। कल साईं से दवाई लेने के बाद तुम ये सब खा सकते हो। होली का दिन फीका नहीं जाएगा भाई। कहां इच्छा होती है मेरी इतना खाने की, वो दिन गए। मेरे कारण आप लोगों को बहुत परेशानी हुई है ना, सबको बहुत सताया है मैंने। हाँ बहुत सताया है तुमने। याद नहीं है तुम्हें बचपन में कैसे मेरी साड़ियां लेकर जाते थे मिन्नतें कर करके तंबू बांधने के लिए? तुम कम खाओ या अधिक, मैंने तो तुम्हारी पसंद की ढेर सारी पूरन पूड़ियां बनाई हैं। ताई साहब, मेरे विचार से तो आपको तरह तरह की चीजें बनानी चाहिए, जैसे श्रीखंड, आमरस, हलवा, ताकि सब तरह का ये स्वाद ले पाए। हाँ हाँ सब बनाऊंगी मैं, बस आज त्रंबक की परीक्षा की आखिरी रात पार हो जाए। साईं, आपने कहा था कि मेरी समस्या का हल निकल आएगा, लेकिन कैसे? वादा ना निभाकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वादा निभाऊं कैसे? आपको तो सारी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं मैं। प्रणाम साई, पहचाना मुझे? आपने मेरे भटके हुए बेटे को राह दिखाई थी। तुम्हारा भाई अब कैसा है? वो भी सुधर गया साई, आपकी बातों का असर हुआ है उस पर। अब तो वो मेरे काम में हाथ भी बटाने लगा है और खेती बाड़ी भी करता है। उसी की वजह से तो मैं पंढरपुर की यात्रा कर पाया। साई, मैं पंढरपुर से आपके लिए कुछ लेके आया। पांडुरंग, विठ्ठल आ गए पंढरपुर से। Thank you.
इन्हें अपने घर में स्थान दो। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे सब मंगल ही होगा। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम पंता जी। ओ पंता जी चुप क्यों हैं? बोलेंगे नहीं तो हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे, आप भी और मैं भी। हाँ हाँ मैं ही बोलूं हर बार, आपके मुंह में तो जबान है नहीं। इतनी बार जान बचाई है आपकी, उसका हिसाब है कुछ आपको? सरकार सरकार एक योजना है मेरे पास, आपकी सौगंध। आज रात के लिए अचूक योजना है। हाँ हाँ तुम लोगों की योजना अचूक ही होती है, लेकिन कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है। लेकिन आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा अचूक क्या होता है। हरिओम। वाह दादा वाह, क्या निशाना लगाया है तुमने। तुम ऐसे ही रोज निशाना लगाने का अभ्यास करते रहो दादा, इसी बहाने निकम्मे लोग किसी काम तो आएंगे। दादा ये लो। अब तुम इस पे निशाना लगाओ। नहीं सरकार। अब देखते हैं तुम कैसे निशाना साधते हो। रुको रुको मैं उतरती हूँ। लगाओ दादा निशाना लगाओ। अरे तुम लोग सुपारी के, रुको दादा रुको। रुक जा चियो, रुक जा। आज रात तक का समय देता हूं तुम लोगों को, यदि कल सुबह तक सफलता का समाचार मुझे नहीं दिया तो निशाना वही लगाऊंगा जहां सुपारी पड़ी है। हरिओम। वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक कसौटी है जिससे इंसान की परख होती है, उसकी निष्ठा उसकी ईमानदारी की परख होती है। जब भी किसी से वादा करो तो उसे हर हाल में निभाना चाहिए, उसे निभाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अपने वचन को निभाना आपसी विश्वास और सामाजिक स्थिरता के लिए
हर इंसान की जिम्मेदारी है। प्राण जाए पर वचन न जाए। खाना तो खाया नहीं होगा तुमने। माँ से क्या छुपा है? हाँ सब जानती हूँ मैं, तभी तो आई हूँ। ये देखो पूरन पूरी लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। बस एक दिन और बायजा माँ। उसके बाद ही मैं इसे ले सकता हूँ। साईं तुम्हारी दवाई से त्रंबक दिन प्रतिदिन ठीक होता जा रहा है, उसे उतनी भूख नहीं लगती है। अब मैं तुम्हें ये व्रत नहीं करने दूंगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी साईं। अगर तुम ऐसे ही हर मरीज के लिए करने लगे तो क्या यह कष्ट उठाना जरूरी है? ये तुम कह रही हो बायजा माँ? तुमने त्रयंबक के लिए जितने कष्ट उठाए हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कोई कष्ट उठाया? त्रयंबक जब बहुत छोटा था एक बार बहुत बीमार हो गया था, तब 6 दिनों तक दिन रात बिना पलक झपकाए तुमने उसकी सेवा की थी, याद है तुम्हें? जब तक वो खा नहीं लेता तुम अपने मुंह में निवाला नहीं रखती थी। तुम्हारी सेवा के सामने मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है भाई सामा, और तुम तो अभी भी परहेज कर रही हो। जो जो उसे पसंद है नहीं खाती हो तुम भी, और अगर वो तुम्हारा भाई है तो उस नाते मेरा भी तो संबंध है उससे। जब परिवार में कोई दुख में हो, दर्द में हो, तो हमें उसका दुख दर्द बांटना ही चाहिए। ठीक है, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। कल आऊंगी मैं, तब तो खाओगे ना? देखिए आप साक्षी हैं। अरे तुम दोनों माँ बेटे के बीच की कथा में मुझे नहीं पढ़ना। जी लगता है सब सो गए, चलिए त्रंबक को जगाते हैं। चलिए। We'll be right back.
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो देखो बैलगाड़ी है वहां, हम दोनों तो सुवर्णा भाई का तमाशा देखने जा रहे हैं। सोचा एक बार तुमसे पूछ ले। नहीं नहीं, जब तक मेरा इलाज नहीं हो पाता मैं नहीं आ पाऊंगा। इलाज तो पूर्णिमा की रात को समाप्त होने वाला था ना, रात हो तो गई। अरे तुम्हें पता है अंग्रेज लोग ना मध्य रात्रि से ही अगला दिन गिन लेते हैं, इसीलिए तो वो लोग हमसे इतना आगे हैं। मध्य रात्रि से नया दिन कैसा होता है? और नहीं तो क्या, मैं झूठ कह रहा हूँ? अरे हमारे कुलकर्णी सरकार भी उनके मरीजों का इलाज इसी के आधार पे तो करते हैं। मतलब आधी रात हुई नहीं कि नया दिन चालू चालू चालू। लेकिन मैं कुलकर्णी सरकार का मरीज नहीं, साईं का मरीज हूँ। साईं ने मुझे कहा है कि आखिरी खुराक कल है, तो कल सुबह से ही होगा। ठीक है, तुम लोग जाओ तमाशा देखने, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ। तुम केवल इस डर से आने रहे हो ना कि तुम वहां आकर कुछ खावा ना लो, है ना? और तुम अभी ठीक हो ना? और तुमने अपने खाना खाने की आदत पे भी काबू पा लिया है। देखो तमाशा देखने का और खाने का क्या संबंध? तुम नहीं आओगे तो उसका एक ही मतलब है कि तुम डर गए। क्या इतने डरपोक हो तुम? अंता जी गलती इसकी भी तो नहीं है, गलती उसी साई की है। उसका इलाज ऐसा बेकार है कि उसके मरीजों को उसके ऊपर यकीन ही नहीं होता है। जैसे ये त्रंबक, अगर इसे यकीन होता तो ये डरता क्या? लेकिन ये जानता है कि साई के इलाज में कोई दम है नहीं और ये अपना नियंत्रण खो देगा। जाओ जाओ जाओ, तुम जाके सो ही जाओ, हम दोनों तो जाते हैं तमाशा देखने। जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मैं कसम खाता हूं कि अब आज के बाद किसी को औषधि नहीं दूंगा। नहीं साईं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो साईं। माफ करना भाईसामा, आज मैं आपकी बात भी नहीं मान सकता।